क्या निकाल रहे मोहन, ये आपको चिट्ठी किसने भेजी है? मोदी जी। मोदी जी ने किस चीज की चिट्ठी है? दवाई हाँ? जीवन बीमा। इससे का का फायदा मिलेगा? फायदा ना पता है तो बताए ना, तो फायदा क्या मिली? क्या नाम है? अच्छे लाल। कहाँ से आए? आए हैं फतेहगंज ब्लॉक से और लखापुर घर है। बुलाया था किसी ने आपको? आप ये ब्लॉक से कोई औरत गई थी, मुझे दी थी घर पे। किसकी चिट्ठी है आपके पास? ये इस पे जो है हमारे हमारा नाम लिखा हुआ है अच्छे लाल और बुदुल। चिट्ठी किसने भेजी आपको? ये मोदी छपे हुए हैं। ये मुझे किस चीज़ के है चिट्ठी? ये बता, फायदा मिलेगा इससे? बताए हैं मुझे कि दवा, लोग बताए कि दवा मिलेगा, दवाई मिलेगी। और नहीं पता है? और कुछ नहीं पता मुझे। योजना क्या है ये पता नहीं है? हाँ, योजना लिखा हुआ है साहब। क्या योजना है कुछ पता है? नहीं साहब, मुझे योजना नहीं, बारे में नहीं पता है। नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है? मंजू। ये आपको यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? बुलाया गया मोदी के ने कार्ड मिला है। किस चीज का कार्ड है? कि दवा दुआ के लिए। चिट्ठी भी मिली आपको कोई? नहीं, कार्ड मिला है। ये चिट्ठी आपके हाथ में है कि किसकी चिट्ठी है? मोदी के। मोदी चिट्ठी भेजे हैं? हाँ। तो इससे क्या क्या फायदा मिलेगा? फायदा मिले जो तकलीफ अगर आम रहे, ये बोले हैं तो हम सब आई है। किस योजना के तहत मिलेगा ये कुछ पता है आपको? नहीं, तो नहीं पता बाबा साहब हमें। अच्छा, जब आप यहाँ आई अपने पैसे से आई? कैसे? हाँ, अपने पैसे से आई है। पुर जिले में आज रीता बहुगुणा जोशी आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत के कार्ड प्रदान करेंगी। वहीं लाभार्थी बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं, लेकिन लाभार्थियों को ये नहीं पता है कि ये उन्हें किस योजना के अंतर्गत मिलेगा लाभ और इस कार्ड बनने से उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा। सरकार का प्रयास तो अच्छा है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहें या ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव कहें। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, जौनपुर।